वॉचिंग किचन विद मीरा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कोयला कढ़ाई जो बहुत मजे की बनने वाली है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं वो ये हैं: हाफ कप ऑयल, एक कप टमाटर का पेस्ट, हाफ कप योगर्ट यानी दही, 2 से 3 अदद हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, और एक टेबल स्पून हमने लिया है चिली फ्लेक्स यानी कि कटी लाल मिर्च, और एक टेबल स्पून लिया है सूखा धनिया कोरिएंडर, और एक टीस्पून हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है कटा हुआ अदरक, और एक टीस्पून लिया हमने जीरा पाउडर, और एक टीस्पून लिया हम लोगों ने नमक, एक टीस्पून लिया है काली मिर्च, और एक टेबल स्पून लिया है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसके लिए जो हम लोगों ने गोश्त लिया है वो चिकन लिया है हम लोगों ने 1.5 किलो। अब हम इसके अंदर घी डाल चुके हैं, पहले इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन ऐड करती हूँ। इसको जब तक खिलाना है जब तक इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। इसको जब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूंगी इसके, जो कि हैं नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया, कुटी लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे ताकि अंदर से लहसुन और अदरक के पेस्ट की स्मेल ना आए। इसका घी ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है मसाले डालने के बाद, तो अब हम इसमें
दही ऐड कर देंगे। हम दही ऐड करेंगे अपने इसमें। इसके साथ ही मैं कटी हुई हरी मिर्च, और अब इसमें डालूंगी टमाटर जो कि एक कप मैंने पेस्ट बनाकर लिया था। अच्छे से मिक्स करना, और अब हम इसको तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो जब तक वो 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए गलने के लिए रख दिया हमने, तब तक मैं कोयले को फ्लेम पे रख दूंगी, ठीक है, ताकि ये पक जाए और हम इसको लास्ट पे हंडिया में रखते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ऑयल आ चुका है, ये अपने फाइनल प्रोसेस पे है। कोयले का दम और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस कोयले के हटा देते हैं। ये बिल्कुल रेडी है, बहुत मजे की, बहुत खतरनाक और बहुत मजे की स्मेल आ रही है इसमें से। Yes.
ही हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे ताकि अच्छे से सर्व हो सके। ये हमारी दम कढ़ाही कह लें, इसको कोयला कढ़ाही कह लें, स्मोकी कढ़ाही कह लें, ये बिल्कुल रेडी है। और यकीन करें ये बहुत टेस्टी है, जब आप बनाएंगे तो सब घर वाले आपकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और वाकई आपको बहुत पसंद आने वाली है ये। और यकीनन अब आप अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें, और इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।